की संकल्पना को मूर्त रूप देने में सफल होंगे। प्रदेश को अग्रणी पंक्ति में लाने के लिए हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास व सबका कल्याण की सोच के साथ अथक परिश्रम कर अंतिम छोर तक खड़े व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान लाने का सतत प्रयास करेंगे। प्रसिद्ध कवि शिव मंगल सिंह सुमन की पंक्तियों से प्रेरणा लेकर हम सार्थक प्रयास का संकल्प लेते हैं। गति प्रबल पैरों में भरी, फिर क्यों रहूं दर दर खड़ा, जब आज मेरे सामने है बड़ा है चलना हमारा। माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछली सरकार की अदूरदर्शी सोच तथा गलत नीतियों के फलस्वरूप हमें विरासत में बहुत बड़ा कर्ज भार मिला है। गत सरकार के कार्यकाल में राज्य पर कुल ऋण भार लगभग दुगुना होकर वर्ष 2023-24 के बजट अनुमानों के अनुसार 5,79,781 करोड़ रुपए हो गया है और राज्य का डेट GSDP अनुपात सामान्य श्रेणी के राज्यों में पंजाब के बाद सर्वाधिक है। इसके साथ ही वर्ष 2023-24 के अंत में राज्य में प्रति व्यक्ति ऋण वर्ष 2017-18 के 36,880 रुपए से बढ़कर 70,800 रुपए हो जाना संभावित है। इसका मतलब कि हमारा कर्ज भार आज की तारीख में दुगना हो चुका है आपकी वजह से। पिछली सरकार के कार्यकाल में लिए गए 2,24,392 करोड़ रुपए के ऋण में से मात्र 93,577 करोड़ रुपए का पूंजीगत व्यय किया गया। इससे स्पष्ट है कि गत सरकार द्वारा लगभग 60% ऋण का उपयोग गैर पूंजीगत राजस्व व्यय हेतु किया गया, अर्थात प्रदेश के दीर्घकालीन विकास व अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की ओर समुचित ध्यान नहीं दिया गया। राज्य के संसाधनों के आकलन एवं दीर्घकालिक परिणामों के विचार बिना ही जल्दबाजी में अनेक योजनाएं लागू की गई, जिसके कारण राज्य की राजस्व प्राप्तियों एवं भुगतान में लगातार अंतर बढ़ता गया। बिना किसी प्लानिंग के, बिना किसी, जिस तरह से आर्थिक आपको पूरी प्लानिंग करनी चाहिए थी आपने नहीं की और बिल्कुल वही एक राजनीतिक दृष्टिकोण से आपने घोषणाएं कर दी, इसी का परिणाम है। आप बैठिए माननीय सदस्य, इसीलिए आज आप वहां बैठे और हम यहां। बजट भाषण क्या बताऊंगी आपको, जनता ने जवाब दिया है। बजट सुनिए माननीय सदस्य, बैठिए, बिना अनुमति के खड़े नहीं होंगे माननीय सदस्य। माननीय सदस्य बीच में सुन लीजिए, उसके बाद आपका जब मौका आएगा बोलेंगे। आप बैठिए, बोलने तो दीजिए मुझे। आप बैठिए माननीय सदस्य, आप मुझे बोलने तो दीजिए, अभी तो शुरुआत है। अरे माननीय सदस्य, अभी तो शुरुआत है, ये बहस का आगे आगे देखिए क्या क्या होता है। माननीय सदस्य, बहस का मुद्दा नहीं है, आप सुनिए जब आपका मौका आएगा तो बोलिए। पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल में प्रदेश जहां एक विपरीत स्थिति में आ गया, वही दूसरी ओर गलत नीतियों, भ्रष्टाचार, लच्चर कानून व्यवस्था, कुशासन एवं तुष्टिकरण के कारण प्रदेश के विकास की गति भी मंद हुई। इन चुनौतीपूर्ण, फिर बोल रहे, अब आपकी बात सुनने में आपको दिक्कत क्यों है? सच्चाई है, सच्चाई। सदन की मर्यादाओं को भंग मत करिए। वित्त मंत्री जब बोल रहा हो, किसी को बोलने की अनुमति नहीं है, आपको नहीं है। बैठिए मिस्टर बोरा, ये अंतिम चेतावनी दे रहा हूँ, इस सत्र में अंतिम चेतावनी दे रहा हूँ।
मुझे ऐसा कदम उठाने के लिए मजबूर न करें। बैठिए मिस्टर बोरा, अंतिम चेतावनी दे रहा हूं, आपकी बार खड़े हुए, यू विल बी आउट। बैठिए बैठिए माननीय डोटासरा जी, बैठिए माननीय सदस्य, बैठिए। आप सुनिए, आप सुनिए, आप सुनिए। इन चिंतापूर्ण परिस्थितियों का सामना करते हुए आप सुनिए, उसके बाद जब आपका मौका आएगा तो बोलिए। इन चिंतापूर्ण परिस्थितियों का सामना करते हुए हम माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के सहयोग के साथ साथ हमारी सरकार की ठोस कार्य योजना, सुशासन एवं कठिन परिश्रम से प्रदेश को सतत विकास के मार्ग पर ले जाएंगे। मैं माननीय सदन को यह भी आश्वस्त करना चाहूंगी कि राजस्थान को विकसित, समृद्ध, सशक्त एवं खुशहाल प्रदेश बनाने के लिए किसी भी प्रकार के संसाधनों की कमी नहीं आने दी जाएगी, क्योंकि अब डबल इंजन की सरकार है राजस्थान में। मैं यहां सम्मानित सदन को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का कथन याद दिलाना चाहूंगी। माननीय सदस्य बीच में खड़े होने की, आप बोलिए, पहले सुनिए, आपको सुनने के लिए, सुनने के लिए। जब टिप्पणी आए, जब आपका बहस का नाम आए तब बोलना, हाँ तब बोलना, मना नहीं है। जब बहस होगी मैं यहाँ सम्मानित सदन को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का कथन याद दिलाना चाहूंगी। पहले कहा जाता था कि इस देश के किसानों की एवं गरीबों की तीन आधारभूत आवश्यकताएं हैं, बिजली, पानी और सड़क। हमने इसमें दो और चीजों को जोड़ दिया, शिक्षा और स्वास्थ्य, और इन पांच चीजों को प्राथमिकता दी जाए और उन्हें सर्वसुलभ किया जाए तो रोजगार अपने आप पैदा होगा और भावी पीढ़ियों के कल्याण के लिए मजबूत आधार का निर्माण होगा। इसलिए आज हिंदुस्तान के कोने कोने में एक ही मंत्र गूंज रहा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। हम इस मंत्र को लेकर विकास को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। बैठे बैठे हमने प्रदेश की जनता को दिए अपने आश्वासन और माननीय प्रधानमंत्री जी की गारंटियों को लागू करने की दिशा में त्वरित गति से कार्य करना प्रारंभ कर दिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने समस्त गरीब परिवारों की महिलाओं को 450 रुपये में LPG सिलेंडर देकर इस संकल्प को लागू कर लगभग 73 लाख परिवारों को राहत प्रदान की है। हमने जरूरतमंद व्यक्ति को कम कीमत पर गुणवत्तापूर्ण पौष्टिक भोजन उपलब्ध करवाने की दृष्टि से पूर्व में दिए जा रहे 450 ग्राम भोजन की मात्रा को बढ़ाकर श्री अन्नपूर्णा रसोई के माध्यम से 600 ग्राम भोजन देने का निर्णय किया है। इस हेतु प्रति थाली राजकीय सहायता 17 रुपये से बढ़ाकर 22 रुपये की गई है। इस योजना के लिए लगभग 350 करोड़ रुपये वार्षिक व्यय होगा। हमारी सरकार आधारभूत संरचना के विकास, दूर दराज के क्षेत्रों विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा, शिक्षा, रोजगार आदि सुविधाओं की पहुंच तथा वंचित वर्गों हेतु अतिरिक्त सहायता, सामाजिक सुरक्षा पर समान रूप से ध्यान देकर प्रदेश के प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में खुशहाली लाने का कार्य करेगी। गत सरकार ने राजनीति से प्रेरित होकर प्रदेश के लाडपुरा, नसीराबाद, सिवाना, आहोर, डग, मालपुरा, गोगुंदा जैसे कई इलाकों क्षेत्रों के लिए कोई योजना स्वीकृत ही नहीं की। अब विकास का क्षेत्रीय संतुलन सुनिश्चित करने की दृष्टि से मैं ऐसे वंचित विधानसभा क्षेत्रों में अतिरिक्त महाविद्यालय, विद्यालय, चिकित्सालय,
प्रशासनिक कार्यालय आदि स्थापित अथवा क्रमोन्नत करने के लिए 1,000 करोड़ रुपए का प्रावधान करने की घोषणा करती हूँ। प्रदेश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए सड़कों का नेटवर्क रीढ़ की हड्डी की भूमिका निभाता है। सड़कों के उन्नयन एवं निर्माण में भी क्षेत्रीय भेदभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। अतः इस भेदभाव का निदान करने के लिए स्टेट रोड फंड में 1,500 करोड़ रुपए का अतिरिक्त प्रावधान करने की घोषणा करती हूँ। पिछली सरकार के संपूर्ण कार्यकाल के दौरान कुप्रबंधन एवं भ्रष्टाचार के चलते राज्य में लगातार बिजली संकट की स्थिति बनी रही। ये आपने छोड़ा है हमारे लिए, हम इसको ठीक करेंगे पूरी तरह से। कुप्रबंधन आपका ये हमको मिला है विरासत में, 5 साल का कुप्रबंधन। अरे आपके मंत्री पढ़ रही है भाई। केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2015 में बिजली कंपनियों की आर्थिक स्थिति सुधार कर उन्हें पुनः पटरी पर लाने के उद्देश्य से उदय योजना लाई गई थी। इस योजना के अंतर्गत बिजली कंपनियों का लगभग 62,400 करोड़ रुपए का ऋण भार सरकार द्वारा अपने ऊपर लेते हुए उन्हें इस भार से मुक्ति दिला दी गई थी। गत सरकार की नीतियों, ऊर्जा विभाग तथा बिजली कंपनियों की कार्यप्रणाली के कारण वर्तमान में डिस्कॉम्स पर लगभग 88,700 करोड़ रुपए सहित समस्त बिजली कंपनियों पर 1,39,200 करोड़ रुपए से अधिक का ऋण भार हो गया है। वर्ष 2022-23 के अनुसार राजकीय उत्पादन कंपनी की उत्पादन क्षमता लगभग 8,300 मेगावाट होने के उपरांत भी औसतन 4,800 मेगावाट अर्थात मात्र लगभग 55% क्षमता के साथ उत्पादन हो रहा है। इस कारण प्रदेश में समुचित बिजली उपलब्ध कराने के लिए महंगी बिजली एक्सचेंज से क्रय करनी पड़ रही है। वर्ष 2022-23 में 3,700 करोड़ रुपए से अधिक की बिजली एक्सचेंज से खरीदने के कारण यह अतिरिक्त वित्तीय भार राजकोष पर पड़ा। हम इस स्थिति से निपटने व बिजली कंपनियों में प्रोफेशनल एडमिनिस्ट्रेशन स्थापित करने के लिए समस्त आवश्यक कदम उठाएंगे। इस दृष्टि से प्रसारण निगम में केंद्र सरकार के ऊर्जा मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुरूप इनविट टीओटी लाने के साथ ही सभी बिजली कंपनियों, निगमों का विशेषज्ञों की सहायता से बिजनेस प्लान तथा 10 वर्ष की अवधि ध्यान में रखते हुए रिसोर्स एडिक्वेसी प्लान बनाकर समयबद्ध रूप से लागू किया जाना प्रस्तावित है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अक्षय ऊर्जा को जन जन से जोड़ते हुए बढ़ावा देने की दृष्टि से अयोध्या में प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के पावन एवं ऐतिहासिक दिवस 22 जनवरी 2024 को संपूर्ण देश में 1 करोड़ हाउसहोल्ड्स को सौर ऊर्जा से इलेक्ट्रिफाई करने की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना की घोषणा की है। जैसा कि विदित है, राजस्थान में सोलर इंसोलेशन देश में सर्वाधिक है। ऐसी स्थिति में इस योजना का लाभ प्रदेशवासियों को अधिकाधिक प्राप्त हो, इस हेतु ऊर्जा विभाग में पीएमयू प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट का गठन कर 5 लाख से अधिक घरों पर सोलर प्लांट स्थापित करने का लक्ष्य रखा जाना प्रस्तावित है, जिससे ऐसे परिवारों को प्रतिमाह 300 यूनिट तक बिजली निशुल्क मिल सकेगी। प्रदेशवासियों को प्रदूषण रहित आवागमन की सुविधा उपलब्ध कराने के साथ ही फॉसिल फ्यूल्स की बचत के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा देने हेतु इंटरस्टेट के साथ साथ जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा जैसे बड़े शहरों के लिए 500 इलेक्ट्रिक बसेस उपलब्ध करवाए जाने की मैं घोषणा करती हूँ।
साथ ही जयपुर शहर की ट्रैफिक कंजेशन संबंधी समस्याओं का निदान करने की दृष्टि से जयपुर मेट्रो का विस्तार टोंक रोड के साथ सीतापुरा अंबाबाड़ी से होते हुए विद्याधर नगर तक के रूट पर करने के लिए DPR तैयार करवाई जाएगी। माननीय सदन के साथ ही प्रदेश की जनता में भी यह विदित है कि गत सरकार के कार्यकाल में जल जीवन मिशन के अंतर्गत न सिर्फ भारी भ्रष्टाचार हुआ एवं गुणवत्ता संबंधी भी बहुत अधिक शिकायतें प्राप्त हुई, बल्कि परियोजना के इम्प्लीमेंटेशन की गति भी अत्यधिक धीमी थी। इस कारण हमारे प्रदेश का JJM कवरेज में संपूर्ण देश में 33वां स्थान था। आप लोग इम्प्लीमेंट नहीं करना चाहते थे, साफ साफ बात तो यही है ना। आप बजट भाषण जब हम परियोजना का कार्य पूर्ण आप सुनिए, आप मुझे बोलने तो दीजिए, इतने बौखला क्यों रहे। मेरा काम है, मेरा काम मुझे करने दीजिए। आप बैठे बैठे मान्य सदस्य बैठे बैठे नहीं, आप करिए अपना। क्यों महिला वित्त मंत्री से कोई दिक्कत है आपको? आप फिर आप पढ़िए मान्य सदस्य। अब हम परियोजना का कार्य पूर्ण पारदर्शिता दर्शिता एवं गुणवत्ता के साथ त्वरित गति देते हुए संपन्न करने के लिए सभी संभव प्रयास करेंगे। इस क्रम में योजना के अंतर्गत आगामी वर्ष 25 लाख ग्रामीण परिवारों को नल से जल उपलब्ध कराया जाएगा। इस कार्य हेतु लगभग 15,000 करोड़ रुपए व्यय किया जाना प्रस्तावित है। गत सरकार द्वारा न सिर्फ जल जीवन मिशन जैसी केंद्र प्रायोजित योजना को पिछड़ने के कारण अत्यधिक संख्या में ग्रामीण परिवारों को उनके घरों में जल की सुविधा से वंचित रखा, अपितु प्रदेश के 21 जिलों में पेयजल के साथ साथ सिंचाई के लिए अति महत्वपूर्ण ERCP परियोजना को केंद्र सरकार से पूर्ण सहयोग मिलने के बाद भी स्वीकृत नहीं कराया गया। इससे गत सरकार की नियत और कार्यप्रणाली की स्पष्ट झलक मिलती है। माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देशन एवं माननीय केंद्रीय जल शक्ति मंत्री की पहल पर अब हमने केंद्र सरकार के जल शक्ति मंत्रालय द्वारा ERCP परियोजना को रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट्स में सम्मिलित कर स्वीकृति किए जाने के लिए राज्य एवं केंद्र सरकार के मध्य MOU को साइन कर शीघ्र प्रारंभ करने का मार्ग प्रशस्त किया है। सदन आप इससे भी खुश नहीं है, वंचित रखना चाहते हैं। माननीय विपक्ष नेता सुनिए, 21 जिलों को पानी से, फिर पीने के पानी से, सिंचाई के पानी से, आपको इसमें दिक्कत क्या है? माननीय सदस्य बैठिए, आप तो कर नहीं पाए। अरे माननीय सदस्य आप ये 10वीं बार खड़े हुए हो, माननीय सदस्य यू आर 10th टाइम आज खड़े हुए हो, ये बर्दाश्त नहीं होगा। सदन के माध्यम से मैं ERCP परियोजना को त्वरित गति से इम्प्लीमेंट करने की दिशा में इस महत्वपूर्ण कदम को उठाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय केंद्रीय जल शक्ति मंत्री जी एवं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगी। इस महती परियोजना के लिए हम स्टेट शेयर समयबद्ध रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। हमने वैसे परियोजना को और बढ़ाया है, 21 जिलों को इससे लाभ मिलेगा। ये तो मुझे लगता है इतनी बड़ी बात है, आपको तो खुश होना चाहिए। आपको इससे आपत्ति? आपका जो मौका है बोलना ना, मना थोड़ी है। जनता देख रही है। माननीय धारीवाल जी, जब आपका मौका है आपको बोलने देंगे। आप बैठिए, आपका जब भी मौका आए आपको बोलने देंगे नियमों के अनुसार। अभी इनका भाषण सुनिए। अरे आपको क्या, आप माननीय सदस्यों कि अब केंद्र सरकार के सहयोग से इस परियोजना को और बेहद रूप देते हुए उपलब्ध पानी की मात्रा बढ़ाई जाएगी तथा पूर्व में अनुमानित परियोजना के लिए आवश्यक राशि
37,250 करोड़ रुपए को बढ़ाकर लगभग 45,000 करोड़ रुपए की परियोजना इंप्लीमेंट की जाना प्रस्तावित है। हमने इसको बढ़ाया है। आपको भी इसमें तो खुश होना चाहिए ना, आपको तो हर चीज में आपत्ति। जनता को कोई लाभ नहीं मिलना चाहिए, जनता को प्यासा रखो, भूखा रखो, गरीब रखो। अरे माननीय अभी आप बोलिए, बैठिए, आपका मौका दूंगा पेयजल एवं सिंचाई हेतु। आपका मौका मुझे कहना पड़ेगा क्या? कुछ मुझे कहना पड़ेगा। पेयजल एवं सिंचाई हेतु निर्मित की जा रही परियोजना के साथ साथ छोटे स्तर पर, अरे सुनना है तो सुनिए, नहीं तो भाजो आस्थान पांव पे है। श्रीमान धारीवाल जी, मैं आपके नाम पुकार रहा हूँ, बैठिए, आप बैठिए। सेतु जल संग्रहण करना भी अति आवश्यक है। सुनना पड़ेगा मुझे, हमारी सरकार का जो मौका आएगा तो कार्यकाल में जल संग्रहण एवं संरक्षण के लिए मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान की शुरुआत की गई थी। अब मैं पुनः आगामी वर्ष से लगभग 11,200 करोड़ की राशि से मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0 शुरू किए जाने की घोषणा करती हूँ। वेल में आओगे कार्रवाई करनी पड़ेगी। आगामी चार वर्षों में 20,000 अपने सीटों में जाइए। आप भी बीचों नहीं बोलेंगे। आप मिर्चा बोरा, इसके तहत आगामी चार वर्षों में रोहित बोरा 20,000 गाँव में 5,00,000 वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स बनाए जाएंगे। प्रथम चरण में आगामी वर्ष 5,000 से अधिक गाँव में 3,500 करोड़ रुपए की राशि से 10,000 कार्य करवाए जाने प्रस्तावित है। सीटों में जाइए, सबसे निवेदन है सीटों में जाइए, वन संरक्षण अपने अपनी सीटों में जाइए, अपनी सीट में आगामी वर्ष, अरे आपने भी पढ़ाया पहले, सीटों में जाइए। एक मिनट मुख्यमंत्री जी कुछ कह रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आग्रह करना चाहता हूं कि एक महिला बजट पढ़ रही है, आपको लगना चाहिए और अरे सुनिए आपको अरे नेता आपको ये दिक्कत बोल रहा है, आपको ये दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप पहले सुनिए, बैठिए, आप मर्यादा की बात, कृपया बैठिए। आप मर्यादा की बात करते हैं, थोड़ा मर्यादा में हमको भी बैठे बोले देखना चाहिए। देखिए ये बजट है, ये कोई बहस नहीं है, और मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि एक महिला बजट पढ़ रही है, आपको उसका प्रोत्साहन करना चाहिए, ऐसे नहीं। अरे बैठिए, सदन के नेता जब खड़े हो आप। हाँ मैं दूंगा, मैं माननीय सदन के नेता से कहना चाहूंगा, माननीय मंत्री जी, कि हमें महिला के बजट पढ़ने से कोई एतराज नहीं है, और महिला भी हमारे प्रदेश की उप मुख्यमंत्री है। आप महिला क्यों कह रहे हैं? आधी आबादी का नेतृत्व कर रही है। माननीय वित्त मंत्री हैं, हम तो माननीय हमारी माननीय वित्त मंत्री हैं, इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं माननीय कि महिला वित्त मंत्री हैं और वो बजट पढ़ रही हैं, आपको थोड़ा शांति से बजट को सुनना चाहिए हर बात। अरे धारीवाल जी, आप सीनियर हैं सदन के नेता, अरे सदन के नेता खड़े हो, आप सुनिए, फिर आपका मौका सुनिए, बैठिए, सुनिए धारीवाल जी सदन के नेता खड़े हो या विपक्षी नेता खड़े हो, कोई नहीं खड़ा होगा। धारीवाल जी आप सुनिए, मैं आपसे ये कह रहा हूँ, आप इस सदन के सीनियर हैं, आप इस सदन के सीनियर हैं, क्यों बैठा दिया आपसे जो नए लोग हैं कुछ शिक्षा भी लेंगे, आप नेता बोल रहे हैं, आप शिक्षा दीजिए, आप सदन के सीनियर हैं, ऐसे नहीं होता है। अरे बैठ, जब खड़े तो आप बैठिए, ऐसे नहीं होता है, उन मर्यादाओं को, अरे सुनिए,
नहीं नहीं आप बैठिए आप ऐसा मत करिए। पहली बार चुन क्या ये सदन की गरिमा, सदन की गरिमा हम सबका रखना आवश्यक है। अरे सदन ये सदन है, ये सदन की गरिमा रखना हम सबका कर्तव्य है। हम पक्ष विपक्ष बाद में, लेकिन ये सदन है, ये सदन है। हम पक्ष विपक्ष बाद में, पहले ये सदन है और इस सदन की गरिमा हर सदस्य को रखना आवश्यक है। हमारी माननीय महिला वित्त मंत्री बजट पढ़ रही हैं, आपको कहना है वो आपको मौका मिलेगा। बैठे बैठे श्रीमान, आपको ये ऐसे थोड़ी है। बोहरा, अंतिम चेतावनी दे रहा हूँ, तमाशा बना रखा है तुमने सदन को। अन्य अध्यक्ष जी, मतलब सदन का एक आप हमने सदस्यों को संभाली नहीं तो आई विल कॉल हिम। माननीय अध्यक्ष जी, बात एक महिला की नहीं है। पहले तो मैं सदन के नेता को ये कहना चाहूंगा, हम महिलाओं का पूरा सम्मान करते हैं। आप एज ए फाइनेंस मिनिस्टर यहाँ पे बीच में नहीं बोलेंगे, आप बजट पढ़ रही हैं। बात ये है कि हम तो देश की जो हमारी वित्त मंत्री है वो भी महिला है, उनका बजट सुन रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। बात यह है कि सदन की जो परिपाटी, अरे भाई बैठिए बैठिए, अरे ये कोई अरे बैठिए, अरे ये आप इसको, अरे माननीय सदस्य, अरे माननीय सदस्य, अरे माननीय सदस्य, माननीय सदस्य आसन पाओ पे, माननीय सदस्य, अरे बैठिए, इसका मेरा काम है। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक मिनट अभी अरे आपका नेता बोल रहा है। अध्यक्ष जी, मैं पहले भी मैंने कहा था आपसे, ये यहाँ पे जो चुन के लोग आए हैं, जनता ने तो चुन के भेज दिए, लेकिन ये सदन की मर्यादा नहीं रख रहे हैं आपके। और आज भी जो बात, इधर भी कई लोग नहीं रख रहे, आज भी जो बात है, मैं ये कहना चाहूंगा, समझाइए, हमारे सदस्यों की मेरी जिम्मेदारी है, सबकी, हमारे सदस्य जो बोल रहे हैं ना, पक्ष की भी है विपक्ष की भी है। आप वित्त मंत्री जी जो है, अरे ये मेरा काम है ना, अरे ये मेरा काम है, ये मेरा, आपको किसने कहा खड़े होने के लिए, मिस्टर रफीक खान। माननीय अध्यक्ष जी, दो मिनट बोलिए, आप बजट पढ़िए, जो आपको लिखा हुआ दिल्ली से आया वो आप पढ़ लीजिए, आप अलग से टिप्पणी इसमें बजट के अंदर नहीं कर सकते। ये परिपाटी नहीं है, आप खूब बोलिए, सुनिए, मुख्यमंत्री जी खूब बोलिए, मंत्री जी, राज्यपाल के अभिभाषण पे जो आप लोगों को बोलना था वो बोल लिए, ये राज्यपाल का अभिभाषण नहीं है, ये बजट है। अब पढ़िए बजट, वही पढ़ना पड़ेगा जो इसके अंदर लिखा हुआ है। आप पढ़ने देंगे तभी तो पढ़ूंगी, आप बीच बीच में इंटरप्ट करेंगे तो मैं कैसे पढ़ूंगी। मंत्री पढ़ रही है, अगर आप इंटरप्ट नहीं करेंगे मैं तो बिल्कुल वो बटन पढ़ती हूँ। आप अपने मंत्री को नहीं सुन रहे, चलिए आप पढ़िए। माननीय वित्त मंत्री जी, हम कतई बीच में नहीं बोलेंगे, आप पढ़िए अपना। प्रदेश में वन संरक्षण एवं वन जीवों के विकास हेतु आगामी वर्ष ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट इन राजस्थान कार्यक्रम के तहत 4 करोड़ पौधे वितरित किए जाएंगे। राजस्थान फॉरेस्ट्री एंड बायोडायवर्सिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के अंतर्गत वृक्षारोपण, ओरन विकास, पौध वितरण एवं आजीविका संवर्धन गतिविधियों आदि के लिए 300 करोड़ रुपए के कार्य करवाया जाना प्रस्तावित है। अरावली हिल्स को सुरक्षित रखने के लिए इसके आसपास के 30,000 हेक्टेयर क्षेत्र में वृक्षारोपण किया जाएगा। गोडावन संरक्षण हेतु टनल निर्माण का कार्य प्रारंभ कराया जाएगा। ब्लैक बॉक्स हेतु जसवंतगढ़ नागौर में हैबिटेट डेवलपमेंट के कार्य करवाए जाने प्रस्तावित हैं। माननीय सदस्यों को विदित है कि प्रदेश की जीएसडीपी में लगभग 30% हिस्सा एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर का है। वर्तमान में कृषि व पशुपालन के राज्य में 85 लाख परिवारों को रोजगार प्राप्त हो रहा है। किसानों के प्रति हमारी सरकार की संवेदनशीलता इस बात से भी प्रकट होती है कि 30 जनवरी 2024 को माननीय मुख्यमंत्री जी ने सदन में पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत किसानों के लिए देय वित्तीय सहायता को प्रति परिवार 6,000 से बढ़ाकर 8,000 रुपए वार्षिक करने की घोषणा की है, जिसके लिए 1,400 करोड़ रुपए वार्षिक का प्रावधान प्रस्तावित है। साथ ही प्रथम चरण के रूप में रबी 2023-24 में गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी के अतिरिक्त 125 रुपए प्रति क्विंटल बोनस उपलब्ध करवाने
करवाने का भी निर्णय लिया है। इस पर 250 करोड़ रुपए व्यय होंगे। कृषि के क्षेत्र में प्रदेश को और ऊंचाइयों पर ले जाते हुए हम अपने किसान साथियों को भी अत्यधिक संबल देने की दृष्टि से राजस्थान एग्रीकल्चर इंफ्रा मिशन को शुरू कर प्रारंभ में 2000 करोड़ रुपए का प्रावधान किए जाने की घोषणा करती हूँ। इसके अंतर्गत 20,000 फार्म पॉन्ड्स, 10,000 किलोमीटर सिंचाई पाइपलाइन, 50,000 किसानों के लिए तारबंदी, 5,000 कृषकों हेतु वर्मी कंपोस्ट इकाइयों एवं नए एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर्स, फूड पार्क्स तथा हॉर्टिकल्चर हब स्थापित करने के कार्य हाथ में लिए जाएंगे। साथ ही 500 कस्टम हायरिंग सेंटर्स स्थापित किए जाकर ड्रोन जैसी नई तकनीक भी उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है। माननीय सदस्यों को विदित है कि मिलेट्स, जिन्हें माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा श्री अन्न की संज्ञा दी गई है, इनके उत्पादन में हमारा प्रदेश देश में अग्रणी स्थान रखता है। प्रदेश में मिलेट्स के उत्पादन को और बढ़ावा देने तथा ग्रामीण परिवारों को अपनी आवश्यकता का अनाज पैदा करने की दृष्टि से आगामी वर्ष 12 लाख किसानों को मक्का, 8 लाख किसानों को बाजरा, 7 लाख किसानों को सरसों, 4 लाख किसानों को मूंग एवं 1-1 लाख किसानों को ज्वार व मोठ के उच्च गुणवत्ता के बीज उपलब्ध करवाया जाना प्रस्तावित है। ग्रामीण अंचल में निवासरत परिवार अपनी आजीविका के लिए कृषि के साथ साथ डेयरी उत्पादन पर भी अत्यधिक निर्भर है। हमारी सरकार प्रदेश में गौवंश संरक्षण के साथ ही इस कार्य से जुड़े परिवारों को सहायता देने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगी। इसी दृष्टि से डेयरी से संबंधित गतिविधियों तथा गौवंश हेतु शेड, खेली का निर्माण तथा दुग्ध चारा बाटा संबंधी उपकरण खरीदने हेतु 1 लाख रुपए तक ब्याज मुक्त शॉर्ट टर्म ऋण उपलब्ध कराने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड की तर्ज पर गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना प्रारंभ करने की घोषणा करती हूँ। इस योजना में प्रथम चरण में लगभग 5 लाख गोपालक परिवारों को ऋण उपलब्ध कराए जाएंगे। इस योजना पर आगामी वर्ष 150 करोड़ रुपए व्यय होंगे। कृषकों एवं ग्रामीण परिवारों के साथ ही वर्तमान परिपेक्ष में कई अन्य राज्यों की भांति ही हमारे प्रदेश का युवा भी भविष्य के प्रति आशंका के कारण असुरक्षा व तनाव से ग्रस्त रहता है। ऐसे में युवाओं को संबल प्रदान कर उनके रोजगार के अत्यधिक अवसरों का सृजन करना हमारी सरकार की प्राथमिकता रहेगी। इस क्रम में युवाओं के रोजगार हेतु आगामी वर्ष सरकार के अधीन लगभग 70,000 पदों पर भर्तियां किया जाने की मैं घोषणा करती हूँ। 70,000 पदों पर भर्तियां किए जाने की मैं घोषणा करती हूँ। ये साथ ही युवाओं की काउंसलिंग, अरे आप सुनिए माननीय सदस्य, साथ ही युवाओं की काउंसलिंग के समस्त संभाग मुख्यालयों पर युवा साथी केंद्र की स्थापना किए जाने का भी प्रस्ताव है। इस हेतु 10 करोड़ रुपए व्यय होंगे। पिछली सरकार के कार्यकाल में पेपर लीक जैसी घटनाएं होने तथा समय पर परीक्षाओं का आयोजन नहीं होने से प्रदेश के युवाओं के भविष्य के साथ अन्याय हुआ। आप कंटिन्यू। इससे युवाओं में गहरा असंतोष है। हमने सरकार बनाते ही पेपर लीक जैसी घटनाओं की रोकथाम एवं दोषियों को सजा दिलाने के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन कर कार्रवाई प्रारंभ कर दी है। युवा हमारे प्रदेश के कर्णधार हैं। उनके भविष्य को सुरक्षित रखने की दृष्टि से उन्हें एम्प्लॉयबल बनाना हमारी प्राथमिकता है। इसके लिए प्रत्येक संभाग में रोजगार मेलों तथा उच्च शिक्षण संस्थानों में
कैंपस प्लेसमेंट के आयोजन के साथ साथ स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कराए जाएंगे। भर्ती परीक्षाएं समयबद्ध आयोजित कराने के लिए राजस्थान लोक सेवा आयोग, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड आदि का वार्षिक भर्ती परीक्षा कैलेंडर जारी किया जाएगा। मुख्यमंत्री पर्यटन कौशल विकास कार्यक्रम प्रारंभ कर आगामी 2 वर्षों में 20,000 युवाओं एवं लोक कलाकारों को गाइड हॉस्पिटैलिटी पारंपरिक कला संबंधी प्रशिक्षण दिया जाकर इम्प्लॉयबल बनाया जाएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मानव क्षमता के उन्नयन, न्यायसंगत और न्यायपूर्ण समाज के लिए के निर्माण तथा राष्ट्रीय विकास में शिक्षा के महत्व को देखते हुए केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लाई गई। हम प्रदेश में स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा तथा तकनीकी शिक्षा को इस फॉरवर्ड लुकिंग नीति के अनुसरण में गुणवत्तापूर्ण बनाएंगे। सभी वंचित वर्गों तक भी शिक्षा की पहुंच को सुलभ करने की दृष्टि से मैं आगामी वर्ष से अल्प आय वर्ग, लघु सीमांत बटाईदार किसानों एवं खेतीयर श्रमिकों के परिवार के छात्र छात्राओं को केजी से पीजी तक निशुल्क शिक्षा प्रदान करने की घोषणा करती हूं। प्रदेश की राजकीय शिक्षण संस्थाओं में शिक्षा एवं शिक्षण का बेहतर वातावरण उपलब्ध कराने की दृष्टि से भवनों के रिपेयर, कक्षा कक्षों एवं बालिका टॉयलेट्स के निर्माण तथा विभिन्न विभागों के अंतर्गत संचालित हॉस्टल्स एवं रेजिडेंशियल स्कूल्स में सुविधाओं के उन्नयन तथा रिपेयर व मेंटेनेंस कार्यों हेतु 250 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है। आर्थिक रूप से कमजोर परिवार के छात्र छात्राएं विद्यालय में हीन भावना से ग्रस्त ना हो तथा उन्हें भी शिक्षा हेतु आवश्यक स्कूल बैग, किताबें तथा यूनिफॉर्म उपलब्ध हो सके, इस दृष्टि से राजकीय विद्यालयों में पढ़ने वाले कक्षा 1 से 8वीं तक के समस्त विद्यार्थियों तथा कक्षा 9 से 12वीं तक की छात्राओं को आगामी वर्ष प्रति विद्यार्थी 1,000 रुपये की सहायता प्रदान किए जाने की मैं घोषणा करती हूँ। इस प्रकार लगभग 70 लाख विद्यार्थी लाभान्वित हो सकेंगे। प्रदेश में युवाओं की ऊर्जा एवं उनके आउट ऑफ द बॉक्स आइडियाज का समाज, प्रदेश एवं देश की उन्नति में सार्थक योगदान हो तथा इसके साथ ही उन्हें अपने सपने साकार करने के समुचित अवसर मिले, इस दृष्टि से जयपुर, बीकानेर, भरतपुर एवं उदयपुर में अटल इनोवेशन स्टूडियो एंड एक्सेलरेटर्स की स्थापना करने की घोषणा करती हूँ। इन एक्सेलरेटर्स में सॉफ्टवेयर कोडिंग, रोबोटिक्स फैब लैब एवं मल्टीमीडिया VFX संबंधी विश्व स्तरीय सुविधाएं उपलब्ध होंगी। इस हेतु 1,000 करोड़ रुपये व्यय होंगे। आज देश के बड़े शहरों में जहां एक ओर बढ़ती आबादी के कारण आवश्यक सुविधाओं पर अत्यधिक दबाव पड़ रहा है, वहीं दूसरी ओर युवाओं को रोजगार की समस्या का सामना भी करना पड़ रहा है। इसके समाधान के लिए कई राज्यों ने सैटेलाइट सिटी विकसित कर सफलता प्राप्त की है। उदाहरण के लिए मुंबई के निकट पुणे, हैदराबाद के निकट साइबराबाद एवं अहमदाबाद के निकट गिफ्ट सिटी की यूटिलिटी और सक्सेस से सभी अवगत हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा लाए गए गति शक्ति कार्यक्रम के तहत केंद्र सरकार भी इस हेतु सहायता उपलब्ध कराती है। हमारे प्रदेश में जयपुर शहर 40 लाख से अधिक आबादी के साथ इस समस्या से जूझ रहा है। इस क्रम में मैं जयपुर के निकट हाईटेक सिटी विकसित किए जाने की घोषणा करती हूँ। इस हाईटेक टाउनशिप में IT, फिनटेक, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, AI, ML सहित अन्य न्यू एज सब्जेक्ट्स के संस्थानों कंपनियों को स्थापित करने हेतु स्पेशल इंसेंटिव्स दिए जाएंगे। साथ ही यहां वर्ल्ड क्लास सिटी के अनुरूप निवासियों को समस्त सुविधाएं भी उपलब्ध हो सकेंगी।
युवाओं के ऑलराउंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट में स्पोर्ट्स का अत्यधिक महत्व है। युवाओं के लिए प्रेरणा के साथ ही किसी भी प्रदेश के लिए गौरव का विषय है होगा कि उसके युवा ओलंपिक्स में भाग लें। ओलंपिक्स में भाग लेने के लिए प्रदेश के 50 प्रतिभाशाली युवाओं को ट्रेनिंग किट, कोच सहित सभी विश्व स्तरीय सुविधाएं उपलब्ध कराने की दृष्टि से मिशन ओलंपिक्स 2028 की मैं घोषणा करती हूं। इसके लिए जयपुर में एक्सीलेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्पोर्ट्स भी स्थापित किया जाएगा। इस हेतु 100 करोड़ रुपए का प्रावधान प्रस्तावित है। साथ ही जयपुर, भरतपुर एवं उदयपुर में बालिकाओं के लिए रेजिडेंशियल गर्ल्स स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट्स 25-25 करोड़ रुपए की राशि से स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि विदित है, हमारी केंद्र की सरकार ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाते हुए 20 सितंबर 2023 को संसद तथा विधानसभा में महिला आरक्षण का प्रावधान करने हेतु नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित किया है। इसमें भी महिलाओं को खुशी नहीं है। अब यह हमारा दायित्व है कि बालिकाओं को प्रारंभ से ही समुचित शिक्षा एवं संबल प्राप्त हो, जिससे वह उन्नति के पथ पर अग्रसर होकर समाज देश की प्रगति में अपना योगदान दे सकें। इसी दिशा में एक और कदम बढ़ाते हुए गरीब परिवारों की बालिकाओं के जन्म पर 1,00,000 रुपए का सेविंग बॉन्ड प्रदान करने हेतु लाडो प्रोत्साहन योजना प्रारंभ किए जाने की मैं घोषणा करती हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण हेतु प्रारंभ की गई लखपति दीदी योजना के अंतर्गत प्रदेश में कार्यरत स्वयं सहायता समूहों में से 2,80,000 महिलाएं एवं उनके परिवार 1,00,000 रुपए से अधिक की वार्षिक आमदनी कर रहे हैं। इस योजना को और अधिक गति देते हुए आगामी वर्ष 5,00,000 परिवारों की आय 1,00,000 रुपए वार्षिक तक ले जाने का कार्य किया जाना प्रस्तावित है। वर्तमान में प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना के अंतर्गत गर्भवती महिलाओं को प्रथम बच्चे के लिए 2 किश्तों में 5,000 रुपए दिए जाने का प्रावधान है। आगामी वर्ष प्रदेश में प्रथम चरण के रूप में इसे बढ़ाकर 6,500 रुपए किए जाने की घोषणा करती हूँ। इस पर 90 करोड़ रुपए का व्यय प्रस्तावित है। साथ ही प्रदेश के प्रत्येक ब्लॉक स्तर पर एक आंगनबाड़ी को स्वास्थ्य जांच, पोषण तथा प्री स्कूल एजुकेशन की दृष्टि से उत्कृष्ट बनाने के लिए आदर्श आंगनबाड़ी के रूप में उन्नयन किया जाएगा। इस हेतु 20 करोड़ रुपए का व्यय होगा। मैं माननीय सदन को स्वामी विवेकानंद का कथन याद दिलाना चाहूंगी। इट इज अ प्रिविलेज टू सर्व मैनकाइंड, फॉर दिस इज द वर्शिप ऑफ गॉड। गॉड इज हियर इन ऑल दीज ह्यूमन सोल्स, ही इज द सोल ऑफ मैन। अर्थात मानव जाति की सेवा करना सौभाग्य की बात है, क्योंकि यह ईश्वर की पूजा है। ईश्वर यही है इन सभी मानव आत्माओं में, वह मनुष्य की ही तो आत्मा है। हमारी सरकार इसी भावना से समस्त प्रदेशवासियों, विशेषकर अल्पायत वर्ग तथा विभिन्न वंचित वर्गों को सहायता व संबल देने का कार्य करेगी। केंद्र सरकार द्वारा आयुष्मान भारत योजना के माध्यम से देश के कोने कोने में आम आदमी को उत्कृष्ट चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने का कार्य किया जा रहा है। हमारी गत सरकार द्वारा प्रदेश में भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के माध्यम से आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को चिकित्सा सुविधा सरकारी व साथ ही निजी अस्पताल चिकित्सालयों में भी उपलब्ध कराए जाने की पहल की गई थी। आज कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का इलाज भी नई तकनीक से ओपीडी में संभव हो रहा है। अतः आमजन को गंभीर बीमारी की स्थिति में
और अधिक राहत देने की दृष्टि से अब मैं प्रदेश में मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना में आईपीडी के साथ साथ डे केयर पैकेज जोड़ने की घोषणा करती हूँ। प्रदेश में तृतीय चरण में 4,875 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किए जाने वाले 15 मेडिकल कॉलेजों की स्वीकृति जारी होने के पश्चात भी विगत सरकार द्वारा कार्य न केवल अत्यधिक विलंब से शुरू किए गए बल्कि कार्य करने की गति भी बहुत धीमी रही। हालत यह रही कि केंद्र से प्राप्त 1,500 करोड़ रुपए की राशि भी पूर्ण रूप से खर्च नहीं हो पाई। हम समस्त मेडिकल कॉलेजों का कार्य प्राथमिकता से पूरा करते हुए सभी आवश्यक संसाधन उपलब्ध करवाएंगे, जिससे आमजन को चिकित्सा सुविधा का पूरा पूरा लाभ मिल सके। साथ ही सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मृत्यु की बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए मानव जीवन को बचाने के उद्देश्य से आगामी वर्ष प्रदेश के हाईवेज पर 25 एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंसेस उपलब्ध करवाया जाना प्रस्तावित है। भारतीय चिकित्सा पद्धतियों को आमजन के स्वास्थ्य लाभ की दृष्टि से प्रोत्साहन देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा आयुष मिशन की स्थापना कर कार्य को गति दी गई थी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2024 के अवसर पर ब्लॉक स्तर तक वृहद रूप से आयोजन किए जाएंगे तथा प्रदेश में आयुष कार्यक्रम के संचालन के लिए आगामी वर्ष लगभग 250 करोड़ रुपए का प्रावधान प्रस्तावित है। माननीय सदस्यों को विदित है कि 30 जनवरी 2024 को सदन में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जरूरतमंदों के लिए 1,500 रुपए मासिक सामाजिक सुरक्षा पेंशन देने के हमारे संकल्प को पूरा करने की ओर एक और बड़ा कदम उठाते हुए प्रथम चरण में वर्तमान में देय 1,000 रुपए मासिक पेंशन को बढ़ाकर आगामी वर्ष से 1,150 रुपए करने की घोषणा कर दी गई है। इस हेतु आगामी वर्ष 1,800 करोड़ रुपए का अतिरिक्त प्रावधान प्रस्तावित है। हम सभी श्रमिकों, स्ट्रीट वेंडर्स तथा लोक कलाकारों द्वारा सामना की जाने वाली कठिनाइयों और भविष्य संबंधी आशंकाओं से भी भली भांति परिचित हैं। श्रमिकों एवं स्ट्रीट वेंडर्स को वृद्धावस्था में भी संबल प्राप्त हो, इस दृष्टि से मैं 18 से 45 वर्ष आयु वर्ग के श्रमिकों के लिए मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना लागू करने की घोषणा करती हूँ। इस योजना में 60 से 100 रुपए मासिक प्रीमियम देने पर 60 वर्ष आयु पूर्ण करने के उपरांत 2,000 रुपए प्रतिमाह पेंशन प्राप्त होगी। शेष लगभग 400 रुपए प्रतिमाह प्रति व्यक्ति का प्रीमियम राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। ये पेंशन मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन के अतिरिक्त होगी। इस योजना हेतु 350 करोड़ रुपए का प्रावधान प्रस्तावित है। इसके साथ ही प्रदेश के 60 से 80 वर्ष तक की आयु के वरिष्ठ नागरिकों को रियायती यात्रा सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से राज्य की सीमा में रोडवेज बसों के किराए में वर्तमान में दी जा रही 30% छूट को बढ़ाकर 50% किया जाना भी प्रस्तावित है। दिव्यांगों को समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए उनके कौशल विकास, शिक्षा तथा चिकित्सा सुविधाओं में वृद्धि आवश्यक है। इसके लिए जयपुर में कंपोजिट रीजनल सेंटर की स्थापना के साथ ही फिजियोथेरेपी, स्पीच थेरेपी आदि सुविधा प्रदान करने के लिए सभी जिला मुख्यालयों पर डिस्ट्रिक्ट डिसेबिलिटी रिहैबिलिटेशन सेंटर्स भी स्थापित किए जाने प्रस्तावित हैं। हमारे देश के महान स्वतंत्रता सेनानी लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, समस्या संसाधनों या क्षमता की कमी की नहीं है, किंतु इच्छा शक्ति की कमी की है।
मैं सदन के माध्यम से प्रदेश की जनता को आश्वस्त करना चाहूंगी कि हमारी सरकार आमजन विशेषकर वंचित वर्गों के सर्वांगीण विकास के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति के से कार्य करेगी, जैसा कि माननीय सदस्यों को विदित है। ये सुनिश्चित करने के लिए कि कोई भी पात्र व्यक्ति अथवा परिवार सरकारी योजनाओं का लाभ लेने से वंचित ना रह जाए, इस उद्देश्य से माननीय प्रधानमंत्री जी की पहल पर प्रदेश भर में विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविरों का आयोजन किया गया है। इसी क्रम में यह भी अति आवश्यक है कि हमारे पंचायती राज संस्थाएं एवं स्थानीय नगरीय निकाय मजबूती से प्रदेश के कोने कोने में बसे हर परिवार तक संबल पहुंचा सके। इस दृष्टि से इन ग्रासरूट डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को और अधिक सशक्त करने के लिए राज्य के शुद्ध कर आय की वर्तमान में निर्धारित SFC ग्रांट को 6.75% से बढ़ाकर आगामी वर्ष के लिए 7% करने की घोषणा करती हूँ। इस प्रकार वित्तीय वर्ष 2024-25 में इन इंस्टीट्यूशंस को 316 करोड़ रुपए की वृद्धि के साथ कुल अनुमानित ग्रांट 8,864 करोड़ रुपए मिल सकेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा 15 अगस्त 2014 को आर्थिक रूप से पिछड़े परिवारों को संबल देने के साथ ही सरकार की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत दी जाने वाली सहायता बिना किसी पिलफरेज के पूर्ण पारदर्शिता से लाभार्थी परिवारों तक पहुंच सके, इस हेतु जनधन योजना के माध्यम से सभी परिवारों के बैंक खाते खोलने के कार्य का शुभारम्भ किया गया था। इसी क्रम में वर्ष 2015-16 में केंद्र सरकार के बजट के अंतर्गत JAM ट्रिनिटी अर्थात जनधन आधार मोबाइल को जोड़ते हुए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर तथा डिजिटल पेमेंट की मजबूत नींव संपूर्ण देश में रखी गई। इसी कड़ी में प्रदेश में हमारी गत सरकार ने इसे भामाशाह योजना के नाम से इम्प्लीमेंट किया तथा पूर्ववर्ती सरकार द्वारा इसका नाम बदलकर जनाधार कर दिया। हमारी सरकार इस कार्यक्रम को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डेटा क्लाउड जैसी नई तकनीक का प्रयोग कर और आगे ले जाने के लिए कटिबद्ध है। असहाय एवं ज़रूरतमंद परिवारों का स्मार्ट सिस्टम सर्विस मैनेजमेंट विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रियल टाइम सिस्टम के माध्यम से स्वतः चिन्हीकरण कर उन्हें अवगत कराते हुए स्वीकृति एवं बेनिफिट ट्रांसफर को त्वरित पारदर्शी ऑनलाइन प्रक्रिया से करने के लिए राजस्थान अनुग्रह सेवा प्रदायगी अधिनियम लाने की घोषणा करती हूँ। इस हेतु 150 करोड़ रुपए से अधिक IT आधारभूत संरचना का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। आमजन तक सरकारी सेवाओं का लाभ पहुंचाने में राजकीय कर्मचारियों की महती भूमिका को देखते हुए आगामी वर्ष कर्मचारियों को पदोन्नति के अतिरिक्त अवसर उपलब्ध करवाने के लिए DPC हेतु 2 वर्ष की छूट दिया जाना प्रस्तावित है। साथ ही कार्मिकों को वेतन तथा GPF संबंधी सभी सूचनाएं विवरण मोबाइल ऐप के माध्यम से ऑनलाइन उपलब्ध करवाए जाएंगे। रिटायरमेंट के बाद भी कार्मिकों को समस्याओं का सामना ना करना पड़े, इस दृष्टि से रिटायरमेंट डे पर ही पेंशन परिलाभों पर एवं पारिवारिक पेंशन की स्वीकृतियां ऑनलाइन जारी की जाएंगी। पेंशनर्स को घर से ही डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट प्रस्तुत करने की सुविधा प्रदान की जाएगी। राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम RGHS के अंतर्गत कार्मिकों एवं पेंशनर्स को कॉन्फिड के माध्यम से दवाइयों की डोरस्टेप डिलीवरी सुविधा प्रदान की जाएगी। राज्य में सुशासन स्थापित करने एवं जन कल्याणकारी योजनाओं के इम्प्लीमेंटेशन में मानदेय कार्मिकों तथा नगरीय निकायों व पंचायती राज संस्थाओं के जनप्रतिनिधियों की महती भूमिका को ध्यान में रखते हुए आगामी वर्ष समस्त मानदेय कर्मियों
यथा मिनी आंगनबाड़ी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, आशा कार्यकर्ता, सहयोगिनी, माँ बाड़ी कार्यकर्ता, मिड डे मील कुक कम हेल्पर, लांगरी, होमगार्ड्स, रेक्सिको कर्मियों तथा नगरीय निकायों व पंचायती राज संस्थाओं के जनप्रतिनिधियों के मानदेय में 10% वृद्धि किए जाने की मैं घोषणा करती हूँ। माननीय सदस्य इससे सहमत होंगे कि किसी भी प्रदेश की खुशहाली के लिए वहां की कानून व्यवस्था मजबूत होनी आवश्यक है। राजस्थान की संपूर्ण देश में शांति प्रिय प्रदेश के रूप में विशिष्ट पहचान रही थी। गत सरकार के कार्यकाल में लचर कानून व्यवस्था एवं आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगाने में नाकामी के चलते नकल माफिया, बजरी माफिया आदि पनपने के साथ ही अपराधियों के हौसले भी बुलंद हुए तथा प्रदेश की छवि भी खराब हुई। इससे आपराधिक घटनाओं में लगातार बढ़ोतरी के साथ ही वर्ष 2020 से प्रदेश में महिलाओं के विरुद्ध अपराध, दुष्कर्म, बच्चों, एससी एसटी के विरुद्ध अपराधों की संख्या में भी निरंतर वृद्धि देखी गई। प्रदेश में अपराधों के नियंत्रण, बेहतर कानून व्यवस्था तथा आमजन को त्वरित न्याय दिलाने के लिए पुलिस आधुनिकरण एवं संबंधित आधारभूत संरचना के लिए 200 करोड़ रुपए का पुलिस मॉडर्नाइजेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड गठित किए जाने की मैं घोषणा करती हूँ। नवसृजित 34 पुलिस थानों में परिवादियों की त्वरित सुनवाई तथा सहयोग हेतु साइबर हेल्प डेस्क तैयार की जाएंगे। स्थानीय प्रशासन एवं विभिन्न एजेंसियों के समन्वय से हॉटस्पॉट क्षेत्रों में साइबर क्राइम नियंत्रण के लिए ठोस कार्य योजना बनाई जाएगी। साथ ही प्रदेश में बालिका महिलाओं के लिए सहज एवं सुरक्षित वातावरण तैयार करने की दृष्टि से प्रत्येक जिले में, क्योंकि ये सिर्फ मर्दों का प्रदेश नहीं है, महिला सुरक्षा हमारे लिए प्राथमिकता है। प्रत्येक जिले में एंटी रोमियो स्क्वाड के गठन के साथ ही शेष रहे 174 पुलिस थानों में वुमेन हेल्प डेस्क स्थापित की जाएंगी। बालिका महिलाओं से छेड़छाड़ व अपराध की प्रभावी रोकथाम के लिए प्रत्येक जिले में प्राथमिकता के आधार पर सार्वजनिक स्थलों, बालिका छात्रावासों एवं नारी निकेतों में सीसीटीवी कैमरे स्थापित करने के उद्देश्य से लाडली सुरक्षा योजना शुरू किए जाने की मैं घोषणा करती हूँ। बालिकाओं को रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण अभियान के तहत सेल्फ डिफेंस का प्रशिक्षण दिया जाता है। बालिकाओं को इस प्रशिक्षण को अधिक से अधिक संख्या में लेने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए सेल्फ डिफेंस की उच्चतम श्रेणी ब्लैक बेल्ट को स्पोर्ट्स कोटा के अंतर्गत सम्मिलित करने की घोषणा भी करती हूँ। वर्ष 2008-09 में हमारी सरकार द्वारा वर्ष 1975-77 के दौरान आपातकाल के समय लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए संघर्षरत व्यक्तियों को सम्मान एवं सहायता देने की दृष्टि से मीसा, डीआरआई आदि बंदियों हेतु लोकतंत्र सेनानी सम्मान पेंशन योजना लागू की गई थी। गत सरकार ने इस योजना को वर्ष 2019 में बंद कर दिया। हमारी सरकार ने इस योजना को पुनः बहाल करते हुए 20,000 रुपये पेंशन एवं 4,000 रुपये चिकित्सा सहायता के रूप में दिए जाने का निर्णय लिया है। यह योजना सतत रूप से संचालित रहे तथा लोकतंत्र सेनानियों को सम्मान के साथ ही निर्बाध रूप से पेंशन प्राप्त होती रहे, इस दृष्टि से राजस्थान लोकतंत्र सेनानी सम्मान निधि अधिनियम लाया जाना प्रस्तावित है। हम राजस्थान को विकास एवं खुशहाली के पथ पर तीव्र गति से आगे ले जाने के साथ ही प्रदेश के गौरवशाली विरासत को सुरक्षित
करने तथा पारंपरिक लोक कलाओं से जुड़े कलाकारों को संबल प्रदान करने के कार्य को भी प्राथमिकता देंगे। माननीय सदस्यों को जानकर आश्चर्य होगा कि गोविंद देव जी मंदिर जयपुर, मानगढ़ धाम बांसवाड़ा, मेहंदीपुर बालाजी दौसा, रणकपुर जैन मंदिर पाली, डिग्गी कल्याण जी टोंक, वेनेश्वर धाम डूंगरपुर, रामदेवरा जैसलमेर, तेजाजी मंदिर खरनाल नागौर, देवनारायण जी असीन भीलवाड़ा, मचकुंड धौलपुर, जल देवी मंदिर रेलमगरा राजसमंद जैसे असीम आस्था केंद्रों के सौंदर्यकरण, ब्यूटिफिकेशन एवं वहाँ सुविधाएं विकसित करने के लिए गत सरकार ने घोषणा तो की, किंतु हकीकत में कोई भी कार्य नहीं किया। अब मैं इन आस्था स्थलों के साथ साथ गोवर्धन परिक्रमा मार्ग पर स्थित पूछड़ी का लोटा डीग, श्री बड़े मथुरेश जी कोटा, त्रिनेत्र गणेश जी रणथंभौर सवाईमाधोपुर आदि को सम्मिलित करते हुए प्रदेश के ऐसे 20 मंदिरों आस्था केंद्रों के विकास कार्य आगामी वर्ष में 300 करोड़ रुपए की राशि से करवाए जाने की घोषणा करती हूँ। प्रदेश की ऐतिहासिक विरासत की झांकी दिखाने वाले अल्बर्ट हॉल जयपुर, राजकीय म्यूजियम अलवर, चित्तौड़गढ़, बीकानेर एवं जोधपुर सहित 10 प्रमुख म्यूजियम का उन्नयन करने तथा स्टेट आर्काइव्स बीकानेर के अंतर्गत पब्लिक गैलरी के निर्माण के लिए 50 करोड़ रुपए के कार्य हाथ में लिए जाएंगे। राजस्थान प्रदेश रणबांकुरों की जननी के रूप में देश विदेश में अपनी अलग ही पहचान रखता है। आज भी महाराणा प्रताप जैसे शूरवीर प्रदेश के निवासियों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। इस दृष्टि से मैं महाराणा प्रताप के जीवन से जुड़े विभिन्न स्थलों चावंड, हल्दीघाटी, गोगुंदा, कुंभलगढ़, देवेर, उदयपुर आदि को सम्मिलित करते हुए महाराणा प्रताप टूरिस्ट सर्किट विकसित करने के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान करने की घोषणा करती हूँ। साथ ही भारतीय फौज में राजस्थान के युवाओं के शौर्य व बलिदान को सम्मान देने के लिए प्रदेश में आर्म्ड फोर्सेस म्यूजियम की स्थापना के लिए DPR बनाए जाने के लिए 2 करोड़ रुपए का प्रावधान प्रस्तावित है। स्थानीय वनस्पतियों के संरक्षण तथा पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए खेजलडी जोधपुर में अमृता देवी विश्नोई इंडिजीनियस प्लांट म्यूजियम स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। माननीय अध्यक्ष महोदय, देश के लोकप्रिय पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था, एक व्यक्ति को सशक्त करना देश को सशक्त करना है और यह सशक्तिकरण तेज आर्थिक प्रगति एवं शीघ्र सामाजिक बदलाव से ही संभव है। हम राजस्थान प्रदेश को अमृत काल खंड के अंत तक वर्ष 2047 तक देश की प्रगति में योगदान देने वाला अग्रिम राज्य बनाने के लिए श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सीख के अनुसार आर्थिक समृद्धि के पथ पर अग्रसर करेंगे। इस क्रम में आमजन को राहत देने के साथ ही प्रदेश में निवेश पर भी ध्यान केंद्रित करना आवश्यक है। मैं माननीय सदन के माध्यम से प्रदेशवासियों को विश्वास दिलाना चाहती हूं कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने तथा आमजन के जीवन स्तर को उत्थान व जन कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी इम्प्लीमेंटेशन के लिए सार्थक कदम उठाए जाएंगे। इस कड़ी में हमने प्रदेश के आर्थिक उन्नयन के लिए राजस्थान इकोनॉमिक रिवाइवल टास्क फोर्स के गठन का निर्णय लिया है। उद्यमिता, निवेश एवं विकास को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार प्रोसीजरल सरलता व पारदर्शिता के लिए प्रतिबद्ध है। इसको ध्यान में रखते हुए एमनेस्टी योजनाएं प्रस्तावित की जा रही हैं, जो 31 जुलाई 2024 तक प्रभावी रहेंगी। वैट एमनेस्टी, अंतरराज्यीय बिक्री के प्रकरणों, लंबित विवादित प्रकरणों तथा केवल ब्याज की मांग वाले प्रकरणों में बकाया राशि का 10-20% जमा करवाने पर शेष राशि माफ की जाएगी। स्टैम्प ड्यूटी एमनेस्टी, स्टैम्प ड्यूटी की मांग के प्रकरणों में ब्याज एवं पेनल्टी की 100% छूट दिया जाना प्रस्तावित है।
ट्रांसपोर्ट एमनेस्टी, वाहन स्वामियों को राहत प्रदान करने हेतु एमनेस्टी योजनाएं प्रस्तावित है जो इस प्रकार है। टैक्स एमनेस्टी, नष्ट हो चुके वाहनों पर नष्ट होने की दिनांक के बाद के समस्त कर एवं उस कर पर देय पेनल्टी ब्याज की छूट प्रदान की जाएगी। नष्ट हो चुके वाहनों के अतिरिक्त अन्य वाहनों पर 31 मार्च 2023 तक के बकाया कर जमा कराने पर देय पेनल्टी ब्याज की छूट प्रदान की जाएगी। ई रवन्ना एमनेस्टी, खान विभाग से प्राप्त सूचना के आधार पर दर्ज ओवरलोडिंग अतिभरण के प्रकरणों में कंपाउंडिंग राशि में 96% तक छूट प्रदान की जाएगी। एंड ऑफ लाइफ व्हीकल्स एमनेस्टी, पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा केंद्र पर एक वर्ष तक स्क्रैप करवाए जाने वाले एंड ऑफ लाइफ व्हीकल्स का स्क्रैप किया जाने तक बकाया कर को एकमुश्त जमा कराने पर देय पेनल्टी ब्याज में छूट प्रदान की जाएगी। एनर्जी एमनेस्टी, 31 मार्च 2023 से पूर्व कटे हुए कनेक्शन वाले कृषि विद्युत उपभोक्ताओं द्वारा मूल बकाया राशि 6 बाय मंथली किश्तों में जमा कराने व कृषि श्रेणी के अतिरिक्त अन्य श्रेणी के उपभोक्ताओं द्वारा संपूर्ण मूल बकाया राशि एकमुश्त जमा कराने पर उनकी समस्त ब्याज एवं पेनल्टी राशि माफ की जाएगी। प्रदेश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रभावी कर आमजन को और अधिक सुविधाएं प्राप्त करवाने की दृष्टि से पक्षकारों द्वारा स्वयं भरी गई सूचनाओं के आधार पर पंजीयन हेतु उनका दस्तावेज स्वतः तैयार हो सकेगा। इसके साथ ही आवश्यक सभी सूचनाएं एवं जीआईएस आधारित डीएलसी स्वयं पक्षकार द्वारा अपलोड करने की सुविधा भी मोबाइल ऐप के माध्यम से दी जानी प्रस्तावित है। दस्तावेजों के ऑनलाइन एनीवेयर रजिस्ट्रेशन के कार्य को गति देने के लिए मौका निरीक्षण हेतु ऑनलाइन ऐप विकसित करते हुए क्वालिफाइड मौका निरीक्षकों को इम्पैनल करने की कार्रवाई की जाएगी। भौतिक स्टैम्प पत्रों के स्थान पर स्टैम्प ड्यूटी के ऑनलाइन माध्यमों यथा ई ग्रास एवं राज स्टैम्प को बढ़ावा दिया जाएगा तथा रिफंड की प्रक्रिया को भी सरल व ऑटोमेट किया जाएगा। आमजन के साथ ही निवेशकों को अपनी परियोजना संबंधी पंजीयन कार्य के लिए दर दर नहीं भटकना पड़े, इस दृष्टि से टोल फ्री हेल्पलाइन के साथ ही सभी जिलों में चरणबद्ध रूप से 24/7 कार्य करने वाले आदर्श रजिस्ट्रेशन केंद्र स्थापित किए जाएंगे। प्रदेश में स्टैम्प एवं रजिस्ट्रेशन से संबंधित विभिन्न शुल्कों की दरों के डिमिस्टिफिकेशन की दृष्टि से उन्हें चरणबद्ध रूप से रिवाइज कर रैशनलाइज किया जाएगा। स्वच्छ व पारदर्शी प्रशासन के सिद्धांत की बेहतर पालना सुनिश्चित करने हेतु वाणिज्यिक कर तथा आबकारी विभागों में कार्यों की चरणबद्ध रूप से फेसलेस मैनेजमेंट की व्यवस्था की जाएगी। इस दृष्टि से प्रदेश में ऑनलाइन इंटीग्रेटेड टैक्स मैनेजमेंट सिस्टम, इंटीग्रेटेड एक्साइज मैनेजमेंट सिस्टम तथा जन आधार वॉलेट को और अधिक सुदृढ़ एवं व्यापक किया जाएगा। वर्तमान में परिवहन विभाग के द्वारा ई लाइसेंस एवं ई रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जारी करने की प्रक्रिया निर्धारित करने के बाद भी आमजन को स्मार्ट कार्ड के लिए राशि 200 रुपये का अतिरिक्त व्यय करना होता है। अब आमजन को इस अतिरिक्त व्यय से मुक्त करने के लिए स्मार्ट कार्ड व्यवस्था को समाप्त करते हुए ई ड्राइविंग लाइसेंस एवं ई रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की व्यवस्था लागू किया जाना प्रस्तावित है। वाहन स्वामियों के वाहनों के फिटनेस टेस्ट की सुविधा को सुगम करने के लिए अपने पंजीकरण के जिले में ही फिटनेस करवाए जाने की बाध्यता को समाप्त कर एनीवेयर फिटनेस टेस्ट की व्यवस्था लागू की जानी प्रस्तावित है।
राज्य के किसानों के हितों तथा आम उपभोक्ताओं की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए चीनी और गुड़ पर मंडी शुल्क को समाप्त किया जाना प्रस्तावित है। प्रदेश में गत सरकार द्वारा 19 नवंबर 2019 को पुनः भूमि पर लैंड टैक्स लगाने के कारण प्रदेश के उद्यमियों तथा निवेशकों को हुई कानूनी एवं वित्तीय समस्याओं का समाधान करने एवं उन्हें राहत देने की दृष्टि से मैं लैंड टैक्स समाप्त करने की घोषणा करती हूं। साथ ही पूर्व में सृजित लैंड टैक्स की डिमांड के संबंध में एमनेस्टी देते हुए मात्र मूल टैक्स की डिमांड का 10% जमा कराने पर शेष डिमांड भी समाप्त करना प्रस्तावित है। अब मैं वर्ष 2024-25 के बजट अनुमानों के संक्षिप्त तथ्य सदन के समक्ष प्रस्तुत कर रही हूं। वर्ष 2024-25 में 4,86,615 करोड़ 10 लाख रुपए का कुल व्यय अनुमानित है। इन बजट अनुमानों में राजस्व व्यय 2,82,247 करोड़ 65 लाख रुपए और राजस्व प्राप्तियां 2,58,378 करोड़ 29 लाख रुपए अनुमानित की गई है। राजस्व घाटा 23,869 करोड़ 36 लाख रुपए का अनुमानित किया गया है। राज्य का राजकोषीय घाटा 67,240 करोड़ 48 लाख रुपए होना अनुमानित किया गया है, जो कि राज्य सकल घरेलू उत्पाद GSDP के 3.95% रहने का अनुमान है। राज्य का डेट GSDP रेशियो 37.48% रहना अनुमानित है। मैं माननीय सदन के माध्यम से प्रदेशवासियों को यह विश्वास दिलाती हूँ कि राज्य की अर्थव्यवस्था में गुणात्मक सुधार के लिए हम हर संभव प्रयास करेंगे, हर कदम उठाएंगे। फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट की धारा 5 के अंतर्गत प्रत्येक वित्तीय वर्ष में वार्षिक बजट के साथ प्रस्तुत किए जाने वाले मध्यमकालिक राज्य वित्तीय नीति विवरण और राज्य वित्तीय नीति युक्ति विवरण सदन में प्रस्तुत किए जा रहे हैं। वर्ष 2024-25 के वार्षिक वित्तीय विवरण तथा अन्य बजट पत्रों के साथ कुछ अधिसूचनाएं जारी की जा रही हैं तथा अनुदान मांगे भी प्रस्तुत की जा रही हैं। चूंकि आगामी लोकसभा चुनाव के कारण बजट प्रस्तावों पर विधानसभा में चर्चा कराकर 31 मार्च 2024 से पूर्व वार्षिक बजट पारित कराया जाना संभव नहीं है, अतः मैं वित्तीय वर्ष 2024-25 के पहले 4 महीनों के लिए यथा 31 जुलाई 2024 तक व्यय हेतु लेखा अनुदान का प्रस्ताव प्रस्तुत कर रही हूं। इस लेखा अनुदान में मांग संख्या 9, निर्वाचन मांग संख्या 36, आपदा प्रबंधन एवं सहायता तथा मांग संख्या 41, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी के लिए पूरे वर्ष के लिए अपेक्षित राशि की मांग की गई है, क्योंकि इन मदों में होने वाला व्यय साम्यक है और इन्हीं महीनों में अधिक व्यय होने की संभावना है तथा इस व्यय को स्थगित नहीं किया जा सकता। लेखा अनुदान की अवधि यथा 31 जुलाई 2024 के पूर्व ही सदन के समक्ष परिवर्तित बजट अनुमान व प्रस्ताव प्रस्तुत कर दिए जाएंगे। हम राजस्थान को विकसित प्रदेश बनाने, इसकी गौरवशाली विरासत को संरक्षित करने एवं प्रदेशवासियों को समृद्ध बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। युवाओं, महिलाओं, बुजुर्गों, किसानों, मजदूरों तथा वंचित वर्गों को सशक्त कर उनकी सहभागिता सुनिश्चित करते हुए विकसित एवं उन्नत राजस्थान के निर्माण की परिकल्पना को साकार किए जाने के लिए प्रभावी कदम उठाएंगे। मैं देश के लोकप्रिय पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की ये पंक्तियाँ याद करना चाहूँगी। बाधाएँ आती हैं आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पाँव के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं,
निज हाथों में हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। अब मैं लेखा अनुदान प्रस्तावों को स्वीकृत करने के अनुरोध से के साथ माननीय सदन के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करती हूँ। जय हिंद, जय श्री राम। श्रीमती बैठिए, बैठिए। श्रीमती दिया कुमारी, वित्त मंत्री, राजस्थान राज्य के आय व्यय अनुमान वर्ष 2024-25 का उपस्थापन करेंगी तथा उसे सदन की मेज पर रखेंगी। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से वर्ष 2024-25 के लिए लेखानुदान वोट ऑन अकाउंट संबंधी विवरण प्रस्तुत करती हूँ। पहले वो पढ़ना है, ये भी पढ़ना था, पहले पढ़ लिया, पढ़ना दोनों ही। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान राज्य के आय व्यय अनुमान वर्ष 2024-25 का उपस्थापन करती हूँ एवं इसे सदन की मेज पर रखती हूँ। लेखानुदान संबंधी प्रस्ताव पर मतदान। श्रीमती दिया कुमारी, वित्त मंत्री, लेखानुदान संबंधी प्रस्ताव मतदान हेतु प्रस्तुत करेंगी। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से वर्ष 24-25 के लिए लेखानुदान वोट ऑन अकाउंट संबंधी विवरण प्रस्तुत करती हूँ। प्रश्न ये है कि राज्यपाल महोदय को 31 मार्च 2000 कर दिया। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं कि राज्यपाल महोदय को 31 मार्च 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए लेखानुदान वर्ष 2024-25 चार माह के लिए विवरण में मांग संख्या 1 से 64 के सम्मुख अंकित लेखानुदान की राशियों से अनधिक जिनका योग्य रुपए 1,10,401,85,53,000 रुपए मात्र है व्यय के लिए अनुदत्त कर दी जाएं। प्रश्न यह है कि राज्यपाल महोदय को 31 मार्च 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए लेखानुदान वर्ष 2024-25 चार माह के लिए विवरण में मांग संख्या 1 से 64 के सम्मुख अंकित लेखानुदान की राशियों से अनधिक जिनका योग रुपए 1,10,401,85,53,000 रुपए मात्र हैं व्यय के लिए प्रदान की जाए। जो पक्ष में हो हाँ कहें, जो विपक्ष में हो ना कहें। हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता। प्रस्ताव स्वीकार किया गया। विधायी कार्य, श्रीमती दिया कुमारी। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान विनियोग लेखानुदान संख्या 2 विधेयक 2024 को पुनः स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करती हूँ। प्रश्न ये है कि राजस्थान विनियोग संख्या 2 विधेयक 2024 को पुनर्स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए। जो पक्ष में हो हाँ कहें, जो विपक्ष में हो ना कहें। हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता। विधेयक को पुनर्स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई। प्रभारी मंत्री विधेयक को पुनर्स्थापित भी करेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान विनियोग आप बैठिए, आप व्यवधान मत, आपका अनुमति मांगिए, दे देंगे। लेखा अनुदान संख्या 2 विधेयक 2024 को पुनः स्थापित करती हूँ। श्रीमती दिया कुमारी, अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करती हूँ कि राजस्थान
प्रावधान विनियोग लेखा अनुदान संख्या 2 विधेयक 2024 को विचारार्थ लिया जाए। प्रश्न ये है कि राजस्थान विनियोग लेखा अनुदान संख्या 2 विधेयक 2024 को विचारार्थ लिया जाए। जो पक्ष में हो हाँ कहें, जो विपक्ष में हो ना कहें, हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता। विधेयक को विचारार्थ लिया गया। खंड 6 विचार, खंड 2 व 3 कोई संशोधन नहीं। प्रश्न ये है कि खंड 2 व 3 स्वीकार किए जाएं। जो पक्ष में हो हाँ कहें, जो विपक्ष में हो ना कहें, हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता। खंड 2 व 3 स्वीकार किए गए। अनुसूची कोई संशोधन नहीं। प्रश्न ये है कि अनुसूची स्वीकार की जाए। जो पक्ष में हो हाँ कहें, जो विपक्ष में हो ना कहें, हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता। अनुसूची स्वीकार की गई। खंड 1 अधिनियम सूत्र नाम आदि कोई संशोधन नहीं। प्रश्न यह है कि खंड 1 अधिनियमन सूत्र नाम आदि स्वीकार किए जाएं। जो पक्ष में वहां कहें, जो विपक्ष में वो ना कहें, हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता। खंड 1 अधिनियम सूत्र नाम आदि स्वीकार किए गए। श्रीमती दिया कुमारी। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करती हूँ कि राजस्थान विनियोग लेखा अनुदान संख्या 2 विधेयक 2024 को पारित किया जाए। प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग विधेयक 2024 को पारित किया जाए। जो पक्ष में वहां कहें, जो विपक्ष में ना कहें, हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता। राजस्थान विनियोग विधेयक 2024 पारित किया गया। वित्तीय कार्य 2023-24 के लिए अनुपूरक अनुदान की मांगों का उपस्थापन एवं मतदान। श्रीमती दिया कुमारी। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से वर्ष 2023-24 के लिए राजस्थान शासन के व्यय हेतु अनुपूरक अनुदान की मांगे द्वितीय संकलन का उपस्थापन करती हूं। मांग संख्या 2। प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 2 राज्य विधानमंडल के संबंध में 31 मार्च 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 10,17,93,000 तक की राशि और प्रदान की जाए। जो पक्ष में वहां कहें, जो विपक्ष में ना कहें, हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता। मांग स्वीकार की गई। मांग 6। प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 6 विधि एवं विधिक कार्य विभाग के संबंध में 31 मार्च 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,000 तक की राशि और प्रदान की जाए। जो पक्ष में वहां कहें, जो विपक्ष में वो ना कहें, हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता। मांग स्वीकार की गई। मांग संख्या 7। प्रश्न ये है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 7 मंत्रिपरिषद के संबंध में 31 मार्च 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 5,79,96,000 तक की राशि और प्रदान की जाए। जो पक्ष में वहां कहें, जो विपक्ष में वो ना कहें, हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता। मांग स्वीकार की गई। मांग संख्या 9। प्रश्न ये है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 9 निर्वाचन विभाग के संबंध में 31 मार्च 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 21,25,06,000 तक की राशि और प्रदान की जाए। जो पक्ष में वहां कहें, जो विपक्ष में वो ना कहें, हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता। मांग स्वीकार की गई। मांग संख्या 10। प्रश्न ये है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 10 वाणिज्य कर विभाग के संबंध में 31 मार्च 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 88,90,80,000 तक की राशि और प्रदान की जाए। जो पक्ष में वहां कहें, जो विपक्ष में वो ना कहें, हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता। मांग स्वीकार की गई। मांग संख्या 11। प्रश्न ये है कि अनुपूरक अनुदान के मांग संख्या 11 पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग के संबंध में 31 मार्च 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 57,76,53,000 तक की राशि और प्रदान की जाए। जो पक्ष में वहां कहें, जो विपक्ष में वो ना कहें, हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता। मांग स्वीकार की गई।
मांग संख्या 12। प्रश्न ये है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 12 आबकारी विभाग के संबंध में 31 मार्च 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ₹4,60,66,000 तक की राशि और प्रदान की जाए। जो पक्ष में वहाँ कहें, जो विपक्ष में वो ना कहें, हाँ पक्ष जीता, मांग स्वीकार की गई। मांग संख्या 14। प्रश्न ये है, अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 14 राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग के संबंध में 31 मार्च 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ₹1,51,95,11,000 तक की राशि और प्रदान की जाए। जो पक्ष में हो हाँ कहें, जो विपक्ष में हो ना कहें, हाँ पक्ष जीता, मांग स्वीकार की गई। मांग संख्या 15। प्रश्न ये है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 15 पेंशन के संबंध में 31 मार्च 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ₹11,80,95,93,000 तक की राशि और प्रदान की जाए। जो पक्ष में वहाँ कहें, जो विपक्ष में वो ना कहें, हाँ पक्ष जीता, मांग स्वीकार की गई। मांग संख्या 16। प्रश्न ये है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 16 आप बैठिए। प्रश्न ये है अनुपूरक कोई बीच में हाँ प्रश्न ये है अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 16 राजस्व विभाग के संबंध में 31 मार्च 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ₹2,000 तक की राशि और प्रदान की जाए। जो पक्ष में हो हाँ कहें, जो विपक्ष में हो ना कहें, हाँ पक्ष जीता, मांग स्वीकार की गई। मांग संख्या 18। प्रश्न ये है अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 18 गृह विभाग के संबंध में 31 मार्च 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ₹1,54,27,03,000 तक की राशि और प्रदान की जाए। जो पक्ष में वहाँ कहें, जो विपक्ष में वो ना कहें, हाँ पक्ष जीता, मांग स्वीकार की गई। मांग संख्या 19। प्रश्न ये है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 19 कारागार विभाग के संबंध में 21 मार्च 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले राज्यपाल महोदय को ₹3,82,06,000 तक की राशि और प्रदान की जाए। जो पक्ष में वहाँ कहें, जो विपक्ष में ना कहें, हाँ पक्ष जीता, मांग स्वीकार की गई। मांग संख्या 20। प्रश्न ये है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 20 प्रारंभिक शिक्षा विभाग के संबंध में 31 मार्च 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ₹2,74,00,000 तक की राशि और प्रदान वहाँ कहें, जो विपक्ष में हो ना कहें, हाँ पक्ष जीता, मांग स्वीकार की गई। मांग संख्या 21। भाई यदि आसन पाँव पे कोई भी विधायक या माननीय सदस्य सदन के अंदर ना आएगा ना उठ के जाएगा। प्रश्न संख्या 21। जो मेरे को तो बैठा दिया मैंने, मेरा काम है। प्रश्न ये है कि अनुपूरक अनुदान की धमांग संख्या 21 माध्यमिक शिक्षा विभाग के संबंध में 31 मार्च 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ₹2,53,32,82,000 तक की राशि और प्रदान की जाए। जो पक्ष में वहाँ कहें, जो विपक्ष में वो ना कहें, हाँ पक्ष जीता, मांग स्वीकार की गई। मांग संख्या 22। प्रश्न ये है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 22 उच्च शिक्षा विभाग के संबंध में 31 मार्च 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ₹2,47,61,45,000 तक की राशि और प्रदान की जाए। जो पक्ष में वहाँ कहें, जो विपक्ष में वो ना कहें, हाँ पक्ष जीता, मांग स्वीकार की गई। मांग संख्या 24। प्रश्न ये है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 24 तकनीकी शिक्षा विभाग के संबंध में 31
2024 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 9,98,93,000 तक की राशि और प्रदान की जाए। जो पक्ष में वहाँ कहें, जो विपक्ष में ना कहें, हाँ पक्ष जीता, मांग स्वीकार की गई। मांग संख्या 25। प्रश्न ये है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 25 कला एवं संस्कृति विभाग के संबंध में 31 मार्च 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ₹1,000 तक की राशि और प्रदान की जाए। जो पक्ष में वो हाँ कहें, जो विपक्ष में वो ना कहें, हाँ पक्ष जीता, मांग स्वीकार की गई। मांग संख्या 26। प्रश्न ये है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 26 युवा मामले एवं खेल विभाग के संबंध में 31 मार्च 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 37,59,42,000 तक की राशि और प्रदान की जाए। जो पक्ष में वहाँ कहें, जो विपक्ष में ना कहें, हाँ पक्ष जीता, मांग स्वीकार की गई। मांग संख्या 27। प्रश्न ये है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 27 चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के संबंध में 31 मार्च 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 5,14,80,000 तक की राशि और प्रदान की जाए। जो पक्ष में वहाँ कहें, जो विपक्ष में ना कहें, हाँ पक्ष जीता, मांग स्वीकार की गई। मांग संख्या 28। प्रश्न ये है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 28 चिकित्सा शिक्षा विभाग के संबंध में 31 मार्च 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ₹2,000 तक की राशि और प्रदान की जाए। जो पक्ष में हाँ कहें, जो विपक्ष में ना कहें, हाँ पक्ष जीता, मांग स्वीकार की गई। प्रश्न ये है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 30 जनजातीय क्षेत्रीय विकास के संबंध में 31 मार्च 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ₹37,000 तक की राशि और प्रदान की जाए। जो पक्ष में वहाँ कहें, जो विपक्ष में ना कहें, हाँ पक्ष जीता, मांग स्वीकार की गई। मांग संख्या 31। प्रश्न ये है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 31 सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के संबंध में 31 मार्च 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ₹1,14,08,90,000 तक की राशि और प्रदान की जाए। जो पक्ष में वहाँ कहें, जो विपक्ष में ना कहें, हाँ पक्ष जीता, मांग स्वीकार की गई। मांग संख्या 32। प्रश्न ये है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 32 महिला एवं बाल विकास विभाग के संबंध में 31 मार्च 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ₹38,22,59,000 तक की राशि और प्रदान की जाए। जो पक्ष में वहाँ कहें, जो विपक्ष में ना कहें, हाँ पक्ष जीता, मांग स्वीकार की गई। मांग संख्या 33। प्रश्न ये है अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 33 सैनिक कल्याण विभाग के संबंध में 31 मार्च 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ₹11,06,78,000 तक की राशि और प्रदान की जाए। जो पक्ष में वहाँ कहें, जो विपक्ष में वो ना कहें, हाँ पक्ष जीता, मांग स्वीकार की गई। मांग संख्या 34। प्रश्न ये है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 34 श्रम व रोजगार विभाग के संबंध में 31 मार्च 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ₹5,02,90,000 तक की राशि और प्रदान की जाए। जो पक्ष में वहाँ कहें, जो विपक्ष में ना कहें, हाँ पक्ष जीता, मांग स्वीकार की गई। मांग संख्या 36। प्रश्न ये है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 36 आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग के संबंध में 31 मार्च 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ₹8,50,91,75,000 तक की राशि और प्रदान की जाए। जो पक्ष में हाँ कहें, जो विपक्ष में ना कहें, हाँ पक्ष जीता, मांग स्वीकार की गई।
मांग संख्या 37। प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 37 देवस्थान विभाग के संबंध में 31 मार्च 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 22,61,21,000 रुपए तक की राशि और प्रदान की जाए। जो पक्ष में हाँ कहें, जो विपक्ष में ना कहें, हाँ पक्ष जीता, मांग स्वीकार की गई। मांग संख्या 38। प्रश्न ये है, अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 38 सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के संबंध में 31 मार्च 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ₹59,27,80,000 तक की राशि और प्रदान की जाए। जो पक्ष में हो हाँ कहें, जो विपक्ष में हो ना कहें, हाँ पक्ष जीता, मांग स्वीकार की गई। मांग संख्या 40। प्रश्न ये है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 40 स्वायत्त शासन विभाग के संबंध में 31 मार्च 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ₹6,21,95,56,000 तक की राशि और प्रदान की जाए। जो पक्ष में हो हाँ कहें, जो विपक्ष में हो ना कहें, हाँ पक्ष जीता, मांग स्वीकार की गई। मैंने सुन लिया दोनों की आवाज में। मांग संख्या 41। थोड़ा जगे हैं, अच्छा है, थोड़ा जगो, दोनों पक्ष थोड़ा जगो। मांग संख्या 41। प्रश्न ये है, अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 41 जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के संबंध में 31 मार्च 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ₹2,88,14,89,000 रुपए तक की राशि और प्रदान की जाए। जो पक्ष में हो हाँ कहें, जो विपक्ष में हो ना कहें, हाँ पक्ष जीता, मांग स्वीकार की गई। प्रश्न मांग संख्या 42। प्रश्न ये है, अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 42 जल संसाधन एवं इंदिरा गांधी नहर परियोजना विभाग के संबंध में 31 मार्च 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ₹3,000 तक की राशि और प्रदान की जाए। जो पक्ष में हो हाँ कहें, जो विपक्ष में हो ना कहें, हाँ पक्ष जीता, मांग स्वीकार की गई। मांग संख्या 43। प्रश्न ये है, अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 43 सिंचित क्षेत्र विकास विभाग के संबंध में 31 मार्च 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ₹40,05,19,000 तक की राशि और प्रदान की जाए। जो पक्ष में हो हाँ कहें, जो विपक्ष में हो ना कहें, हाँ पक्ष जीता, मांग स्वीकार की गई। मांग संख्या 44। प्रश्न ये है, अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 44 सार्वजनिक निर्माण विभाग के संबंध में 31 मार्च 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ₹14,71,27,66,000 तक की राशि और प्रदान की जाए। जो पक्ष में हो हाँ कहें, जो विपक्ष में हो ना कहें, हाँ पक्ष जीता, मांग स्वीकार की गई। मांग संख्या 46। प्रश्न ये है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 46 कृषि विभाग के संबंध में 31 मार्च 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ₹72,96,45,000 तक की राशि और प्रदान की जाए। जो पक्ष में वहाँ कहें, जो विपक्ष में ना कहें, हाँ पक्ष जीता, मांग स्वीकार की गई। मांग संख्या 45। प्रश्न ये है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 45 वन एवं पर्यावरण विभाग के संबंध में 31 मार्च 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ₹1,15,14,25,000 तक की राशि और प्रदान की जाए। जो पक्ष में हो हाँ कहें, जो विपक्ष में हो ना कहें, हाँ पक्ष जीता, मांग स्वीकार की गई। मांग संख्या 47। प्रश्न ये है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 47 पशुपालन
एवं मत्स्य विभाग के संबंध में 31 मार्च 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 13,99,92,000 तक की राशि और प्रदान की जाए। जो पक्ष में वहाँ कहें, जो विपक्ष में ना कहें, हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता, मांग स्वीकार की गई। मांग संख्या 48। ये मेरे को ध्यान है, आप तो हाँ भर दो, माननीय सदस्य आप भी हाँ भर दो, अरे अच्छा है, सबके लिए आप सर्वसम्मति से। मांग संख्या 48, प्रश्न ये है, अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 48 उद्यानिकी विभाग के संबंध में 31 मार्च 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 6,45,13,000 तक की राशि और प्रदान की जाए। जो पक्ष में हो हाँ कहें, जो विपक्ष में हो ना कहें, हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता, मांग स्वीकार की गई। मांग संख्या 49, प्रश्न ये है, अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 49 गोपालन विभाग के संबंध में 31 मार्च 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 47,74,000 तक की राशि और प्रदान की जाए। जो पक्ष में हो हाँ कहें, जो विपक्ष में हो ना कहें, हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता, मांग स्वीकार की गई। मांग संख्या 51, प्रश्न ये है, अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 51 अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु विशिष्ट संगठन योजना के संबंध में 31 मार्च 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले राज्यपाल महोदय को रुपये तक की राशि और प्रदान की जाए। जो विपक्ष में ना कहें, पंचायत 21 को राज्यपाल 3,92,72,000 तक की राशि और प्रदान की जाए। जो पक्ष में हाँ कहें, जो विपक्ष में ना कहें, हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता, मांग स्वीकार की गई। मांग संख्या 53, प्रश्न ये है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 53 ग्रामीण विकास के संबंध में 31 मार्च 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 3,14,05,80,000 तक की राशि और प्रदान की जाए। जो पक्ष में वहाँ कहें, जो विपक्ष में हो ना कहें, हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता, मांग स्वीकार की गई। प्रश्न संख्या 54, प्रश्न ये है, अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 54 ऊर्जा विभाग के संबंध में 31 मार्च 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 33,40,13,49,000 तक की राशि और प्रदान की जाए। जो पक्ष में हो हाँ कहें, जो विपक्ष में हो ना कहें, हाँ पक्ष जीता, मांग स्वीकार की गई। मांग संख्या 55, प्रश्न ये है, अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 55 खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलात विभाग के संबंध में 31 मार्च 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 2,92,91,000 तक की राशि और प्रदान की जाए। जो पक्ष में वहाँ कहें, जो विपक्ष में ना कहें, हाँ पक्ष जीता, मांग स्वीकार की गई। मांग संख्या 57, ये आपको प्रेरित कर रहे हैं कि आप भी हाँ भरो। मांग संख्या 57, प्रश्न ये है, अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 57 पेट्रोलियम विभाग के संबंध में 31 मार्च 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 50,02,12,000 तक की राशि और प्रदान की जाए। जो पक्ष में हो सचेतक महोदय ध्यान करिए, 50,02,12,000 तक की राशि और प्रदान की जाए। जो पक्ष में वहाँ कहें, जो विपक्ष में ना कहें, हाँ पक्ष जीता, मांग स्वीकार की गई। मांग संख्या 58, प्रश्न ये है, अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 58 खान विभाग के संबंध में 31 मार्च 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 35,93,00,000
25,000 तक की राशि और प्रदान की जाए। जो पक्ष में हां कहें, जो विपक्ष में ना कहें, जो पक्ष में हां कहें, जो विपक्ष में ना कहें, हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता, मांग स्वीकार की गई। मांग संख्या 59, प्रश्न ये है अनुबोरक अनुदान की। मांग संख्या 59, पर्यटन विभाग के संबंध में 31 मार्च 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ₹2,77,49,00,000 तक की राशि और प्रदान की जाए। जो पक्ष में हां कहें, जो विपक्ष में ना कहें, हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता, मांग स्वीकार की गई। मांग संख्या 61, प्रश्न यह है अनुपूरक अनुदान की। मांग संख्या 61, विज्ञान एवं तकनीकी विभाग के संबंध में 31 मार्च 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ₹6,87,99,000 तक की राशि और प्रदान की जाए। जो पक्ष में हां कहें, जो विपक्ष में ना कहें, हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता, मांग स्वीकार की गई। मांग संख्या 62, प्रश्न ये है अनुपूरक अनुदान की। मांग संख्या 62, परिवहन विभाग के संबंध में 31 मार्च 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 38,31,24,000 तक की राशि और प्रदान की जाए। जो पक्ष में हां कहें, जो विपक्ष में ना कहें, हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता, मांग स्वीकार की गई। प्रश्न मांग संख्या 63, प्रश्न यह है अनुपूरक अनुदान की। मांग संख्या 63, आयोजना एवं सांख्यिकी विभाग के संबंध में 31 मार्च 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 8,69,95,000 तक की राशि और प्रदान की जाए। जो पक्ष में हो हां कहें, थोड़ा जोर से, जो पक्ष में हो हां कहें, जो विपक्ष में हो ना कहें, हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता, मांग स्वीकार की गई। मांग संख्या 64, प्रश्न ये है अनुपूरक अनुदान की। मांग संख्या 64, अन्य सामान्य सेवाओं के संबंध में 31 मार्च 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 6,31,39,000 तक की राशि और प्रदान की जाए। जो पक्ष में हां कहें, जो विपक्ष में ना कहें, हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता, मांग स्वीकार की गई। वित्तीय कार्य श्रीमती दिया कुमारी, विधायी कार्य वित्तीय कार्य अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान विनियोग आप बैठिए संख्या 1 विधेयक 2024 पुरस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करती हूं। आप चले भेजिए बिना अनुमति के नहीं। प्रश्न ये है, हो गया प्रश्न है आ गया भाई। श्रीमती दिया कुमारी पुरस्थापित करेंगे। क्या है अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान विनियोग संख्या 1 विधेयक 2024 को पुनः स्थापित करती हूं। अपने स्थानों में बैठिए माननीय सदस्य, माननीय सदस्य बैठिए। अरे क्या तमाशा है, सारे माननीय विधायकों को मैं स्पष्ट कह रहा हूँ, क्या सदन में अपनी सीट खोल करके मंत्रियों तक नहीं जाएंगे, उनके चैम्बर में जाएं। प्रश्न ये है कि राजस्थान विनियोग संख्या 1 विधेयक 2024 को पुनः स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए। जो पक्ष में वहां कहें, जो विपक्ष में ना कहें, जो पक्ष में हां कहें, जो विपक्ष में ना कहें, हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता, विधेयक को पुनः स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाती है। प्रभारी मंत्री विधेयक को पुनः स्थापित भी करेंगी। माननीय दिया कुमारी, मैं अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करती हूं कि राजस्थान विनियोग संख्या 1 विधेयक 2024 को विचारार्थ लिया जाए। प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग संख्या 1 विधेयक 2024 को विचारार्थ लिया जाए। जो पक्ष में वहां कहें,
जो विपक्ष में ना कहें, हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता, विधेयक को विचारार्थ लिया गया। खंड छह विचार, खंड दो और तीन कोई संशोधन नहीं। प्रश्न यह है कि खंड दो व तीन स्वीकार किए जाएं, जो पक्ष में वहां कहें, जो विपक्ष में ना कहें, हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता, खंड दो व तीन स्वीकार किए गए। अनुसूची कोई संशोधन नहीं। प्रश्न यह है कि अनुसूची स्वीकार की जाए, जो पक्ष में हो हां कहें, जो विपक्ष में हो ना कहें, जो पक्ष हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता, अनुसूची स्वीकार की गई। खंड एक, अधिनियम सूत्र नाम आदि कोई संशोधन नहीं। प्रश्न यह है, खंड एक अधिनियम सूत्र नाम आदि